नमस्ते दोस्तों, मैं महिपाल चौधरी महिपाल इंटीरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक लार्ज एलसीडी यूनिट दिखाया गया है और उस वीडियो में उसका फुल ट्यूटोरियल भी दिया गया है, जैसे कि उसको कितना मटेरियल लगता है और कितनी मजदूरी लगती है, कैसे काम किया जाता है और उसमें जो चारकोल लूअर्स वगैरह लगाते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वो लार्ज एलसीडी वीडियो का जो लिंक है वो आप आई बटन में देख सकते हैं। और जो दूसरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि चारकोल कैसे लगाते हैं, चारकोल लूअर्स को हम सिलिकॉन और माउंट टेप की सहायता से कैसे लगाते हैं, उसका भी जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज एक ग्रे किचन को लेके आए हैं, देखते हैं ग्रे कलर में अपना किचन कैसा दिखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं किचन के अंदर। जो ये किचन है वो ग्रे कलर से फिनिश किया हुआ है और सभी ट्रॉलीज और डोर को एच प्रोफाइल हैंडल लगाए हुए हैं एसएस फिनिश में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ किचन ओटा पहले से तैयार था और हम देखते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही शानदार दिख रही है एच प्रोफाइल हैंडल की। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है और ये मार्केट में किसी भी प्लाईवुड शॉप पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ये जो ट्रॉली के बाहर लगी हुई माइका है ये 1.5 mm जाड़ी एक्रेलिक माइका है और इसकी कॉस्ट की अपन बात करते हैं तो ये 6,000 रुपये की एक सीट मिलती है। और इसको चिपकाने के लिए फेविकॉल प्रोबॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है और जो कंपनी इसको बनाती है उसका एडेसिव वो कंपनी भी इसके साथ में देती है। हालांकि हमने फेविकॉल प्रोबॉन्ड का यहाँ पे यूज किया इसको चिपकाने के लिए। और ये देखिए अंदर में कैबिनेट बना हुआ है, सॉफ्ट क्लोज ऑटो इंजिस लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं पल्ला एकदम स्मूथ धीरे धीरे चल रहा है। ऊपर में ये हमने प्रोफाइल के डोर बनाए हैं, ये एल्यूमिनियम की सीपी ब्रश नामक प्रोफाइल है और ये भी प्लाईवुड की सभी दुकानों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। फाइबर की चिमनी लगी हुई है और इसकी बात करें तो ये प्रोफाइल जो है इसका हैंडल 2400 रुपये का आता है, 1800 रुपये का फ्रेम आता है और 120 रुपये का इसका जो कॉर्नर में डालने वाला कनेक्टर आता है। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है कैसे प्रोफाइल को काटते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे फिस प्रोफाइल को लगाते हैं, कैसे इसके ऑटो इंजेस लगाते हैं, वो पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मेंशन की हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और सभी काम एकदम आधुनिक तौर तरीके से किए हुए हैं जिसमें दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है, फिर भी आप अपना ख्याल रखें। ऊपर के लॉफ्ट को देखें तो ये वाइट कलर की माइका में फिनिश किया हुआ है और ये भी 1.5 mm जाड़ी एक्रेलिक माइका है और इसकी कीमत की जहाँ बात करें तो ये भी 6,000 रुपये और 5,000 रुपये के कीमत पे मार्केट में मिलती है। और इसके बाजू में एक वुडन फिनिश छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है वुडन फिनिश माइका के साथ में। इसमें 8 mm की WPC ग्रिल का यूज किया हुआ है जो आप देख सकते हैं मंदिर के दोनों साइड में 8 mm की WPC ग्रिल लगी हुई है। नीचे में वाइट माइका लगी हुई है और पूजन सामग्री रखने के लिए दो कैबिनेट बनाए हुए हैं और बीच में दो ड्रावर है जिसमें ये पूजन सामग्री रख सकते हैं आप। और सामने जो इसका बैकग्राउंड दिख रहा है ओम का चित्र है ऊपर और घंटियों की जो दिख रही है ये भी इसका एक्रेलिक का बनाया हुआ है। और साइड में WPC की ये जाली है, इसके दोनों साइड से ग्लास लगाया हुआ ताकि इसमें धूल मिट्टी ना जमे। इधर साइड से भी ये WPC की ग्रिल लगी हुई है तो आपने देखा कि बहुत ही कम जगह में शानदार मंदिर बन के तैयार हो गया। और इसके लागत की जब बात करें तो ये मंदिर 40,000 की कीमत में आसानी से बन जाता है। इसी प्रकार के फर्नीचर से संबंधित नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी जो भी समस्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।